ये आप देखिएगा, इसके अलावा फुकाशिया ब्रेड बनेगी। क्या कर रहे हैं माइक्रोवेव में? इसमें हमने अपना जो फुकाशिया ब्रेड के लिए हमने डो तैयार किया था वो हमने यहाँ पर रखा है। थोड़ा सा ज़रे एक हल्की सी हीट होती है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ था। ये देखिए जी, मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ये मेरे पास 3 कप के करीब आटा था, 1 टीस्पून भर के हमने इसके अंदर शामिल किया था ईस्ट, आधा कप से थोड़ा सा कम हमने इसमें ऑलिव ऑयल डाल दें या नॉर्मल ऑयल, लेकिन मैंने इसमें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो है उसमें शामिल किया था। नमक गया था इसमें, 1 टीस्पून आप डालिएगा। इसके अलावा हमने इसके अंदर क्या डाला था, और इसके अंदर हमने और कुछ नहीं डाला था, सिर्फ पानी डाला। इसको हमने एक सॉफ्ट डो की फॉर्म में बना लिया। ये मेरे पास यहाँ पे बना हुआ है और इसको बने हुए तकरीबन हाफ एन आवर से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। और इसको आप अपने घर में भी इसी तरह से रखिएगा, क्योंकि मौसम आजकल ऐसा हो गया कि हाफ एन आवर में अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं कि ये अपने साइज़ से डबल हो गया। ये देखिए जी, इसको मैं इस तरह से करूँगी, ये देखें इसकी एयर जो है वो निकल गई। इसको ही हमें निकालना है और कुछ नहीं करना, ये इतनी सिंपल सी डिश बनने वाली है लेकिन बहुत अच्छी लगेगी। ये मैं थोड़ा सा लूँगी यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, और वो जाएगा यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और आप देखिएगा फिर भी ये ब्रेड बहुत अच्छी बनेगी। इसको हम अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। ठीक है, 2 टेबल स्पून हमने ले लिया है ऑयल। अच्छा, ये बहुत अच्छी बनती है सूप के साथ, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे आज हम ये बना रहे हैं, ये सब बेहतरीन है। ये देखिए अब अपनी फॉर्म में आ गए हैं, अब हम सिंपली इसको निकालेंगे। देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट सा बना है ये, इसको हम इसमें डाल लेते हैं, है ना, बहुत अच्छा बना है। अब इसको हमने क्या करना है, सिर्फ हमने इसको फैलाना है सिंपल, और थोड़ा सा इसको अनटाइडी ही रखना है। ये नहीं कि आपको बहुत ही को इसको ऊंचा नीचा हो रहा है या बराबर करना है, कुछ नहीं, इस तरह से आपने कुछ नहीं करना। ये देखें जी, इसका तरीक़ेकार ही ये है, फुकाशिया ब्रेड का तरीका ही ये है कि इसको आपने इस तरह से ताकि अच्छे से इसमें, अच्छा इसको करने के बाद ना मैं इसको कम अज़ कम इसको 15 से 20 मिनट में इसको रखूंगी। रखने के बाद हम इसको अवन के अंदर बेक करने के लिए डाल, स्टेज पे भी रेस्ट लेगी है, रेस्ट लेगी ये। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर बाकी के इंग्रेडिएंट, जैसे कि ये मेरे पास ऑलिव्स हैं, ये गैस पे ऑलिव्स, इस पे ऑलिव्स का ही अपना बहुत मज़ा देगी, वैसे ही खाने में आपको बहुत मज़ा देगी ना। मैं डाल रही हूँ इसमें जितने आपको डालने हैं उस हिसाब से डाल लें। चले हम भी पूरी डाल देते हैं, सही है, थोड़ा सा इसको हम फैला भी लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर मौजूद है क्या चीज़ मौजूद है, हमारे पास टमाटर है। अब आपके पास सन, वैसे तो इस रेसिपी में सन ड्राई टमाटर डालने थे, लेकिन मैंने सोचा कि सन ड्राई टमाटर हर एक के पास होते नहीं, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा टेस्ट आएगा, इसमें बेक हो जाएगा, बेहतरीन होगा, सही है जी। तो इसको हम डाल रहे हैं यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे, अगर आपके पास सन ड्राइड है तो आप सन ड्राइड भी डाल सकते हैं। सन ड्राइड मैं आपको बताऊँ मिल ज़रूर जाते हैं लेकिन थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, तो इसलिए मैंने वो चीज़ रखी नहीं, मैंने कहा सिंपल चीज़ बनाऊँ ताकि ईजिली सब हमारे देखने वाले इसको बना सकें। ठीक है, क्या करें, ब्रेक लें? हाँ बिल्कुल, बस ये थोड़ा सा ये हम बताते जाएँ और फिर आके आप देखिएगा कि किस तरीके से हमने इसको करना है। ये इस तरह से ही डालना है आपने। इसके बाद रोज़मेरी इसका एक ख़ास इंग्रेडिएंट है। अच्छा, ये हमने ऐसे नहीं डाल देना है, इसको हमें थोड़ा चिपकाना भी है इस पर। ठीक है जी, लेकिन थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा फिक्स सेट करेंगे हम इस पर, चिपकाना है। अब ये 10 सेकंड मैं बताती हूँ, मुझे टिश्यू चाहिए था, थोड़ा सा हाथ मेरे हो गए। अच्छा, रोज़मेरी इसमें ज़रूर जाएगा, और ये मेरे पास यहाँ पे रोज़मेरी रखा हुआ है, ये मैं ले लेती हूँ। अच्छा, रोज़मेरी मैं आपको बहुत दफ़ा दिखा चुकी हूँ, ये देखें जी, ये इस तरह से होता है। ठीक है, हाँ तिनके जैसे ना, इसको आप डालिए इसके ऊपर, ये चला गया। तकरीबन इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून से थोड़ा सा, 1.5 टीस्पून डाल दें। अभी अगेन आप मुझे थोड़ा सा ऑयल इसमें डाल के देंगी। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड डी, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, UHT ट्रीटेड, डबल रिफाइंड गारंटीड, हिफ्ज आने से हेल्थ के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है इस फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और बनस्पति को। ठीक है ना, अच्छा ये हम ऊपर से इसके ड्रिजल करेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें ऑलिव ऑयल इस तरह से, ये फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल डालेंगे। अगेन मैं इसको ऐसे ऐसे करके कर देती हूँ, ये देखें ये खुद ब खुद सब इसके ऊपर चिपक जाएगा। अब क्या होगा कि ये मुझे कम अज़ कम इसके ऊपर रखना है, 15 से 20 मिनट मैं इसको रखूँगी, उसके बाद हम इसको अवन में डालें। थोड़ा सा अगर आपके पास मोटा वाला नमक है वो भी इसके ऊपर आप डाल, सी सॉल्ट जो होता है वो आप डालिए इसके ऊपर और इसको बेक कर दीजिए, बेहतरीन ये तैयार हो जाएगी। फिर आप सॉल्ट का डलता है इसके ऊपर, लेकिन इसमें जो हमने ऑलिव डाले हैं, इसके अलावा हमने जो टमाटर डाले उसका टेस्ट भी और बहुत अच्छा। तो हम ये आम नमक ना डालें? बिल्कुल डाल सकते, चले डाल देते, कर रहे हैं ना पूरा ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। ये देखिए ये गैस में
ठीक है, यानी टेबल सॉल्ट मौजूद है तो डाल दें, अगर आपके पास सी सॉल्ट मौजूद है तो वेल एंड गुड, मतलब मेन अपनी एक्चुअल रेसिपी में वही जाता है। ये इसको मैं रख देती हूँ, जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी सेकंड रेसिपी पे आएंगे।